अब हम एमएस एक्सेल में मौजूद लॉजिकल फंक्शंस में जो लॉजिकल टेस्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक डाटा सेट मेरे पास मौजूद है जिसमें मैंने लिखे हुए हैं नंबर्स हैं कॉलम बी और सी में, और जो कॉलम ई है उसमें कंपैरेटिव ऑपरेटर्स हैं। हम कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ नंबर्स हैं उनको लॉजिकल टेस्ट जो है हम करने लगे हैं। अब सबसे पहले है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेरे पास दो नंबर्स हैं कॉलम बी और सी में, हम इन दो नंबर्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं इन कंपैरेटिव ऑपरेटर्स की मदद से। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लॉजिकल फार्मूला मैंने ऑपरेट करना है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वन, इज 75 इक्वल टू 89, क्या 75 जो है वो 89 के इक्वल है। 75 जो है वो फर्स्ट सेल का नंबर है और 89 जो है वो सेकंड सेल में जो नंबर है। हम इन दो सेल्स के जो नंबर्स हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे फार्मूला के लिए इक्वल टू फर्स्ट सेल। अब ये इक्वल टू जो था ये फार्मूला का था, और ये इक्वल जो है ये कंपेरेटिव के लिए लगाने लगे हैं। इक्वल टू सेल C4 और एंटर प्रेस करते हैं तो मुझे ये बताता है कि ये फॉल्स लॉजिकल टेस्ट है। क्यों? क्योंकि 75 जो है वो 89 के इक्वल नहीं है। सेकंड है जी, इज 75 नॉट इक्वल टू 89, ये ग्रेटर देन और लेस देन का कंबाइन जो साइन है ये नॉट इक्वल टू के लिए यूज होता है। इज 75 नॉट इक्वल टू 89, अब ये चेक करना है 75 और 89 को हमने नॉट इक्वल का जो कंपेरेटिव ऑपरेटर है उसकी हेल्प से कंपेयर करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा इक्वल टू सेल B5 नॉट इक्वल टू 89 और एंटर प्रेस करूंगा तो वो मुझे दे देता है ट्रू का, क्योंकि 75 और 89 जो है वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन का ऑपरेटर, और यहां पे ग्रेटर देन ऑपरेटर के लिए क्या हमने देखना है कि इज 75 ग्रेटर देन 89, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू 75 ग्रेटर देन 89 और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये फॉल्स है, क्योंकि 75 जो है वो ग्रेटर देन 89 नहीं है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे है इज 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 89, चेक करेंगे इसके लिए फिर से वही फार्मूला, इक्वल टू दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल टू दिस सेल और एंटर प्रेस करता हूं तो ये मुझे फॉल्स बता दे, क्योंकि 75 ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स कंडीशन आ गई है। नेक्स्ट है लेस देन, लेस देन के लिए जो लेसर का साइन है उसको यूज करेंगे, और ये यहाँ पे हम देखेंगे इज 75 लेस देन 89, यहाँ पे लॉजिकल फार्मूला ऑपरेट करते हैं इक्वल टू 75 लेस देन 89, एंटर प्रेस करता हूं तो ये मुझे ट्रू आंसर में देता है, क्योंकि जो 75 है वो 89 से लेस देन है। नेक्स्ट है जी लेस देन एंड इक्वल टू, अब इसमें लेस देन का साइन है और इक्वल टू का, तो यहां पे हम क्या देखेंगे इज 75 लेस देन इक्वल टू 89, उसके लिए लॉजिकल फार्मूला ऑपरेट करते हैं इक्वल टू 75 लेस देन इक्वल टू 89, एंटर प्रेस करते हैं तो ये मुझे ट्रू का आंसर देता है। ये था हमारा लॉजिकल फंक्शन में लॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड, जो जिसमें हम डिफरेंट नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं।